तो ये देखो मतलब कितना ज्यादा बुरा काम कर रखा है माउस ने, इतना ज्यादा खराब हो रखा है। और डस्ट देखो कितनी ज्यादा है। दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रेशर रिलीवर रीइंस्टॉल करना है, और साथ ही साथ में क्लैंप भी नहीं लगाऊंगा। देखो इसे गाइस, फाइनली मैं अपना ओल्ड वाला जो लास्ट टाइम मेरे पास रखा था, इस तरीके से एलन की हेल्प से मैं ऊपर से। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों, जैसे कि आपको बताया मेरी RS 200 GS3 बम्बलबी, इसमें एक इशू आ रहा था, जो फ्यूल लेवल सेंसर है गाइस वो प्रॉपर रीडिंग शो नहीं करता है। बस दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का इशू है, मतलब फ्यूल होने के बाद भी जो भी प्रॉपर एग्जैक्ट फ्यूल रीडिंग है यहाँ पर शो नहीं हो रही। ध्यान से देखना गाइस आपको ना, ये देखो ना, हालांकि थोड़ी बाइक गंदी पड़ी है, बाद में वॉश करेंगे तो अच्छे से। एक बार देखो बिल्कुल भी कुछ रीडिंग नहीं आ रही यहाँ पर, ध्यान से देखना है ना। ये देखो कोई रीडिंग नहीं है मीटर पे, और ठीक ठाक फ्यूल भी बाइक के अंदर। तो काफ़ी टाइम से फ्यूल गेज है जो इसमें यहाँ पे इंस्टॉल होता है फ्यूल टैंक में, तो आज से रिप्लेस करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आओ किस तरीके से रिप्लेस करने वाले, ठीक है। हालांकि मैंने 99 RPM से ब्रांड न्यू ऑर्डर करके मंगवा लिया है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो अभी इंस्टॉल करने से पहले मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से नट ओपन करने पड़ेंगे। बेसिकली गाइस जितने भी राइडर्स हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पता है किस तरीके से ओपन होता है फ्यूल टैंक कवर जो ऊपर का, ये वाले नट्स हो गए है ना, जो इधर की साइड का हो गया, ये वाले इधर हो गया, ये वाला देखो ध्यान से ना, इसे भी ओपन करना है। देखो ये दिख रहा होगा आपको, इसे भी ओपन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये हो गया, ठीक है। और नीचे बॉटम में बात करें तो बॉटम में ये वाला नट हो गया, ठीक है। और मतलब जो छोटा मोटा नट है हो गया, फेयरिंग वाला हो गया, ठीक है। और अंडर बैली ओपन करने की कोशिश करके फिर अच्छे से ये नट्स वगैरह हो गए, और सेम विद राइट साइड बिल्कुल इस तरीके से ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करना है। एनीवेज गाइस फाइनली हमने ओपन कर लिया जो टैंक कवर वगैरह जितने भी थे, और ये रखा अपने नया फ्यूल लेवल सेंसर, ठीक है। देख लो एक बार पार्ट नंबर वगैरह, ये देखो उसका पार्ट नंबर ना, ये देखो पार्ट नंबर, क्रॉस्टिंग वगैरह सब देख लो, फ्यूल लेवल सेंसर, ठीक है। एंड गाइस बात करें यहाँ, ये देखो ये 4 नट्स हैं, इन्हें ओपन करना है, उसके बाद इंस्टॉल करता हूँ, और जो न्यू गैसकेट की सब चीज़ इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस इसे ओपन करते हैं। गाइस काफ़ी टाइम से ओपन नहीं करता, देखो कितने डस्ट है, काफ़ी चल गई बाइक यार, काफ़ी टाइम बाद ओपन कर रहा हूँ, मतलब 1 साल होने वाला है अप्रोक्स, 1 साल बाद ओपन कर रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी मतलब डस्ट देखने को मिलेगी आपको। अब सीधे जितने भी 4 नट्स हैं इन सबको ओपन करना है, तो मैं गाइस इन्हें ओपन करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। गाइस 4 नट ओपन हो चुका अच्छे से, और इसे रिमूव करने से पहले देखो गाइस, ये जो देख रहे हो आप ग्रीन कलर का कपलर, ये कपलर है किस चीज़ का, फ्यूल लेवल सेंसर का, ठीक है। तो इस कपलर को ओपन करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कुछ तरीके से ओपन करना है। गाइस देख रहे हो, ये यहाँ से पुश करके हल्का सा देखो ऐसे तरीके से ओपन होता है, ठीक है। ये देखो फ्यूल लेवल सेंसर का बाहर जा रहा है, यहाँ पर जाकर के सीधा यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसे रिमूव करते हैं, देखो कुछ तरीके से रिमूव करना है, काफ़ी जेंटली करना है, टूट के अंदर भी जाएगा वरना फिर दिक्कत होगी, पूरा टैंक ओपन करना पड़ेगा ऐसे ना। ये देखो है ना, है ना, ये देखो कुछ तरीके से ओल्ड वाला, ओहो गाइस इसका अंदर चलेगा, टूट के गिर गया शिट्स। ये देखो इसमें अंदर ही रह गया है, घर करते हैं, चलो इसे भी निकाल लूँगा बाद में। देखो पूरा टूटा पड़ा है, काफ़ी साल बाद, मैं करीबन 9 ईयर्स होने वाले हैं। देखो किस तरीके से कंडीशन हो चुकी है इसकी ना, एक दो बार रिपेयर भी था बट काम बना नहीं, चलो ठीक है कुछ दिन चला फिर से ख़राब रहता है ना, बट ठीक है टूट के अंदर गिर चुका है। अब इसे जो अंदर इसमें पार्ट है ना, जो लेवल है इसमें जो फ्लोट होता है उसे रिमूव करूँगा, ठीक है, निकाल के फ्यूल पंप वगैरह सब निकाल के फिर न्यू इंस्टॉल करते हैं गाइस, ठीक है। गाइस न्यू वाला फ्यूल लेवल सेंसर इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो गाइस है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसके बाद जो फ्लोट वगैरह सब निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू की बात ही अलग है, ये देख रहे हो गाइस, ठीक है। एक बार देख लो किस तरीके से इसकी लुक है ना, यहाँ देखो ना, देखो जो इसमें हैंडल होती है ना, ध्यान से देखना अंदर नीडल दिख रही होगी आपको, ये नोटिस करना, ठीक है। ये वाली नीडल ही ख़राब होती है, देखो ध्यान से ना, जो नीडल दिख रही है आपको दो मोस्टली यही ख़राब होती हैं, लूज़ पड़ाती हैं आफ्टर सम टाइम, तो इस पर काम करने वाले हम। गाइस एक बार इसका कपड़ा लगा के चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो कपड़ा लगा रहा हूँ मैं, इसकी वर्किंग चेक करते हैं एक बार ना, ये ध्यान से देखना एक बार ना यहाँ पे, ये देखो गाइस कपड़ा लगा के इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। गाइस कपलर लग चुका है बढ़िया करके, और मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वर्किंग एक बार, अब देखना गाइस एक बार जरा बिल्कुल इसके नीचे है ना, अब एक बार जरा मीटर पे चेक करो एक बार आ करके, है ना, मैं ऑन करूँगा की, ठीक है।
अभी इस टाइम बिल्कुल भी इसमें देखो फ्यूल फुल दिखा रहा है, देखो ना, बिकॉज फ्लोट की वजह से अपोजिट साइड पे। अब एक बार मैं इसकी देखो डायरेक्शन इधर करता हूँ, फ्यूल लेवल सेंसर की देखो ना। अब मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ, बिल्कुल इधर बीच में ना, उसके बाद दोबारा रिफ्रेश करेंगे इसी को। ये देखो गाइस, अब दोबारा रिफ्रेश करने के बाद मीटर पर देखना, अभी तो यहाँ दिखा रहा है, अब मेरे को छोड़ दिखा रहा डायरेक्शन, रियोस्टेट के इफेक्ट पर काम करता है ना, देखो है ना, आप दिखा रहा, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है हमारा जो कंपनी ने भेजा है ना, तो बेस्ट है। अब इसे इंस्टॉल करते हैं गाइस, ठीक है गाइस, अब इसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें लगाते हैं, ठीक है, बहुत जेंटली डालना आपको इसमें है ना, ठीक है। देखो इस तरीके से फ्लोट यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं ना, ये लग चुका अपना बढ़िया करके वो गैसकिट। अब इसके बाकी जो फोर नट्स हैं ना, इन्हें ओपन करता हूँ। एक तो नट यहाँ पे इसका इधर की तरफ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, इसे फोर नट्स ओपन कर लगा के मिलता हूँ आपसे, ठीक है गाइज। एनीवेज गाइज, जो ऑल फोर नट्स हैं लग चुके हैं, देखो अच्छे से बिल्कुल टाइट कर दिए मैंने प्रॉपर। यार अब एक काम करना, जो फ्यूल टैंक ओपन करके ना, इसका जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया है, और फ्यूल पंप और फ्यूल स्टैंडर क्लीन करते हैं, ठीक है। तो गाइज टैंक ओपन करने का प्रोसीजर आपको बताया, ये नट देखो मैंने थोड़ा WD-40 अप्लाई किया है ना, काफ़ी टाइम से ये रस्टी था ना, रस्ट आ गया यार, काफ़ी टाइम से खड़ी थी मेरी बाइक में, और यहाँ पे ये नट एंड गाइस थर्ड नट, इसे ओपन करते हैं, फिर फ्यूल पंप की जो कपलर है रिमूव करके अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। फाइनली तीनों नट ओपन कर लिए मैंने, देखो एक ये वाला हो गया, ठीक है। एंड गाइस दूसरे नट की बात करें, ये रहा सेकंड वन है ना, ये देखो, और थर्ड नट ये रहा अपना है ना, इसे भी मैंने ओपन कर लिया है। अब देखो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने मतलब देखो काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी थी ना, पहले मेरे पास ही खड़ी रहती थी, अब सौरभ के पास रहती है, तो ये देखो मतलब कितना ज़्यादा बुरा काम कर रखा है माउस ने इससे पहले, देख रहे हो, मतलब कितना ज़्यादा यार दिमाग ख़राब हुआ है, इतना सारी मतलब सारा सामान था ना यहाँ पर सारा रखा है, बिल्कुल रिजल्ट एयर इनटेक वगैरह सब पूरा रखा है इस वजह से। ये देखो ध्यान से ना, अब इसे पहले मैं निकाल लूँगा, फिर उसके बाद ओपन करके दिखाता हूँ आपको ना। देखो सॉक्स वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह सारे कितनी बुरी तरीके से फंसा रखे हैं चूहे ना यार, करता हूँ ये बहुत दुर्गति थी इस चीज़ की। चलो घर से क्लीन करके तब दिखाता हूँ आपको ना, उसके बाद करता हूँ बाद की कार रहे भाई, इतनी मैंने प्रेशर रिलीफ वाल्व वगैरह सब क्लीन ना। मैंने फ्यूल टैंक रख दिया अच्छी तरीके से रखना है, बिकॉज अगर गिर गया ना है तो जो ये पाइप है फ्यूल फिल्टर वाले पाइप सारे बैंड हो जाएंगे, दिक्कत होगी है ना। एंड गाइस दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा गंदगी कर रखी थी माउस ने, देखो कितना बुरा हाल कर रखा था माउस ने, ध्यान से देखो। मैं वही कर रहा था, मेरी बाइक काफ़ी दबके चल रही है बहुत है ना, थ्रॉटल लग रहा था, सारा ब्लॉक कर रखा है, देखो जो एयर फिल्टर का माउथ है ना यहाँ से जाता था प्रॉपर यार, ये काफ़ी टाइम से खड़ी थी मेरी बाइक है ना, जॉब पर्पज से खड़ी रही थी। देखो यहाँ पे क्या सिस्टम करा मैंने, ये देखो कितनी गंदगी है यहाँ पे, देख लो गाइस आपके सामने देखते हैं ना, ये देखो शिट से, और मतलब क्या ही बोलूँ, ये देखो ठीक है, ये गंदगी देखे ना किस लेवल की कर रखी है, और देखो चूहा भी मरा पड़ा है इसमें, देखो गाइस देखो ना, ओ गॉड ये देख रहे हो गाइस कितनी गंदगी, मतलब क्या ही करा माउस ने यार, बहुत ख़राब सिस्टम कर दिया। ये देखो ना, अभी सारा क्लीन करने के बाद ना अच्छे से बाइक क्लीन करूँगा, फिर उसके बाद इंस्टॉल करूँगा। तो शुक्र है मैंने टैंक खोल कर देख लिया एक बार ना, मैं चलो एक बार क्लीन कर लेते हैं सारा सिस्टम, इसमें यहाँ पे माउस फंस के मर गया बिल्कुल प्रॉपर। ये देखो गाइस जितना दिखाऊँ उतना कम है, मतलब काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी रखने का नतीजा, उसके बाद मैंने सौरभ के पास खड़ी करी थी, सौरभ के वहाँ दिक्कत नहीं थी माउस की है ना। ये देखो गाइस बहुत ही बुरा हाल कर रखा माउस ने, और पहले उन्होंने मेरा वायर काटा था जो मैंने क्लीन ज्वाइन कर लिया था, वो देखिए आपने वीडियो ना, ये देखो पूरा ब्लॉक कर रखा था इसका माउथ ना, देखो यहाँ से ना। तो सब चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन करके तब मिलता हूँ आपसे, और A to Z सारी गंदगी निकालने के बाद यहाँ पे फिर मैं प्रेशर रिलीफ वाल्व क्लीन करेंगे अपना बढ़िया करके ना, A to Z इतना भी है, देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा डस्ट है, अभी और निकालनी है मेरे को यहाँ से ना। तो फिर करते हैं इस पर कार्रवाई, प्रेशर रिलीफ वाल्व वगैरह फिल्टर फ्यूल स्टैंडर सब क्लीन करते हैं। गाइस लग गया था मैं एयर फिल्टर बॉक्स भी खोल लेता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो नहीं कहता जो पूरा माउस वगैरह ना अंदर सारा ब्लॉकेज कर रखा था, तो लग गया था इसे भी ओपन करके देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी अंदर से। गाइस फाइनली मैंने तीनों नट खोल लिए, एक बार देखते हैं किस लेवल का मैंने कर रखा। देखो गाइस जो डाउट था ना वही हुआ, देख रहे हो मतलब मेरा न्यू एयर फिल्टर था बिल्कुल, कुछ ही किलोमीटर चला है, और देखो ब्लॉकेज किस लेवल का कराया था ना, पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया, देख लो गाइस ना आपके सामने जो कुछ है। मुझे डाउट पहले भी था, मतलब देखो कितनी ज़्यादा गंदा कराया ना, क्या कराया माउस ने। चलो खैर से भी क्लीन करते हैं फिर, ठीक है, ख़राब तो उन्होंने कर दिया, बाद में चेंज करा लूँगा, पहले से क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पे यार क्या कर रखा है यार, काफ़ी टाइम से खड़ी करने का नतीजा होता है।
चलो खैर से क्लीन करते हैं। गाइस ये देखो एयर फिल्टर की कितनी गंदी हालत करी उन्होंने यार। ये मुश्किल से 200-300 किलोमीटर चलाया मैंने, 300 के आसपास, बिल्कुल ब्रांड नहीं था। मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना आप, एक साल हो गया करीबन उसे। अब चलो खैर इसे भी यार क्लीन करके लगा देता हूँ, अभी जा नहीं पाऊँगा, मार्केट बंद आज है ना, तो ये क्लीन करके लगाता हूँ है ना। कोशिश करूँगा अब जाके चेक करता हूँ, नया मिल जाएगा तो ना यार। बहुत बुरा सिस्टम कर रखा माउस ने देखो ना। खैर चलो अभी से करते हैं जो भी कार्य भाई है ना। ये देखो गाइस ना डस्ट। गाइस फाइनली मैं अपना ओल्ड वाला जो लास्ट टाइम मेरे पास रखा था स्पेयर ना, इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ यार। देखो ये वाला चूहों ने क्या हालत करी यार, क्या ही बोलूँ, खराब ही हो गया। सो गाइस जो एयर फिल्टर चैम्बर से क्लीन करके इसे ओल्ड वाले को इंस्टॉल करते हैं, स्पेयर रखा था मेरे पास। एनीवेज गाइस मैंने एयर फिल्टर कैबिन क्लीन कर लिया अच्छी तरीके, चैम्बर देखो ना। अब इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देता हूँ कुछ देर, उसके बाद अपना इंस्टॉल करके एयर फिल्टर प्रेशर रिलीफ वाल्व क्लीन करते हैं, ठीक है गाइस। फाइनली जो ये अपना फ्यूल फिल्टर है इसे ओपन करते हैं और फ्यूल पंप ओपन करते हैं। जो सिक्स नट्स है ना, अभी ध्यान से देखो ये वाले सिक्स नट्स ओपन करते हैं। रस्टिंग का बहुत ही इशू है मेरा, मैं बहुत परेशान हूँ। चलो इसमें बाद में रिपेंट वगैरह करेंगे, पहले जो इस कार्यवाही को करते हैं, ठीक है गाइस। गाइस फाइनली बाहर आ गए और हमारा फ्यूल फिल्टर वगैरह सब। अब इसके बाद सिक्स नट्स ओपन करते हैं ना। गाइस फाइनली चारों नट ओपन कर लिए हैं, अब एक बार देखते हैं फ्यूल पंप की कंडीशन और अच्छे से फ्यूल लेवल सेंसर और सॉरी प्रेशर रिलीफ वाल्व सब क्लीन करेंगे। और जो ये देखो गाइस क्या सीन निकला, जो टूटा हुआ था ना पार्ट बचा हुआ, ये देखो ओरिंग वगैरह ठीक है। और ये देखो अपना फ्यूल पंप भी रहा, बॉश का ओरिंग जला बिल्कुल ना। अब काफ़ी टाइम बाद इसे क्लीन करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये देखो स्ट्रेनर का, इसे भी क्लीन करेंगे। और गाइस टूट टूट के पार्ट निकल रहे हैं, देखो ये नहीं है हमारा असेंबली का वो था सिस्टम, ये देखो ये जो पुरानी वाली है ना फ्यूल गेज फ्यूल सेंसर उसका है ना। बाकी अभी इसे क्लीन करते हैं अच्छे से, इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व क्लीन करते हैं। तो गाइस फाइनली हम ओपन करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन करते हैं, इसके लिए हमें इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। देखो हाँ ये देखो यहाँ पे क्लिप लगी होती है, इसे ओपन करते हैं पहले, क्लिप को बाहर की तरफ। गाइस देखो ये वाली क्लिप है, ये बाहर आ जाती है प्रेशर रिलीफ वाल्व की। और काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ यार, काफ़ी टाइम से जो मैंने न्यू इंस्टॉल करा था बॉश का, ये फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ। ये देखो गाइस है ना, इस तरीके से एलन की हेल्प से ना ऊपर से पुल करेंगे। देखो गाइस कितना डर्टी है यार, ये आपके सामने है, देखो कितना डर्टी हो रहा है ना, ये देख रहे हो गाइस कितना डर्टी है। लग ही रहा था मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर्टी निकलेगा ना, ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा डर्ट है इसमें, डस्ट ना डेबरिस वगैरह देखो कितना ज़्यादा है ना। और फ्यूल पंप के ऊपर काफ़ी लोड आ रहा था क्योंकि यार ये मैंने क्लीन ही नहीं करा जब से मैंने डलवाया था इंस्टॉल ये 2019 में। और एक बार इसका इसके अंदर दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा डेबरिस है ना, ठीक है गाइस। तो अब इसे क्लीन करते हैं, फिर स्ट्रेनर वगैरह भी क्लीन करेंगे बढ़िया करके ना। क्लीन करने के लिए WD-40 यूज़ कर रहा हूँ गाइस है ना, इस तरीके से आपको इसमें बढ़िया करके क्लीन करना है ना। ये देखो गाइस ना ऐसे करके बढ़िया क्लीन हो जाएगा, उसकी ओरिंग गेरी ये हो गया क्लीन अपना बढ़िया। एक बार इसे रिमूव करके अच्छे से क्लीन करता हूँ ना। इसकी ओरिंग क्लीन करते हैं एक बार, ठीक है। ये भी हो गई है, बाकी इसकी जो ये जाली है हमने अच्छे से क्लीन कर ली है। इसे यहाँ से भी क्लीन करते हैं जिसका कच्चे अंदर है, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं है ना यार। बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था फर्स्ट टाइम से मैंने क्लीन किया जब से बाइक आई है ना, मतलब बाइक के मैंने 2019 में न्यू फ्यूल पंप लगवाया था, तब के बाद फर्स्ट टाइम से क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से है ना। ये देखो गाइस, और एक बार इस जगह से कर लेते हैं ना, उस
जितना भी पैसेज वगैरह सब क्लीन हो गया इसका बढ़िया करके। अब इसे वापस इंस्टॉल करते हैं गाइस, ठीक है। एनीवेज गाइस, फाइनली मैं फ्यूल स्ट्रेनर भी चेंज कर रहा हूँ यार। ये पुराना वाला देखो, ओल्ड वाला कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और डस्ट देखो कितनी ज़्यादा इसमें, ध्यान से देखना गाइस कितना डर्टी है ना। तो सोचा लग गया था न्यू फ्यूल स्ट्रेनर इंस्टॉल करते हैं, साथ ही इसमें क्लैंप भी दे रखा है, देखो ये रख क्लैंप, इसे भी न्यू लगा देंगे। और जो प्रेशर रिलीफ वाला है मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना दोबारा, इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं राइडर्स, तो मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर किस तरीके से इंस्टॉल करना। एनीवेज गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रेशर रिलीवर रीइंस्टॉल करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फिट करना है इसमें, देखो ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये ओरिंग आ गई अपनी, और यहाँ पे देखो ये चैम्बर है, इसमें इस तरीके से थोड़ा जेंटली करके टकवा जाएगी, बिल्कुल फिट हो गया, बेस्ट है ना। और उसके बाद इस डायरेक्शन में क्लैंप होता है, क्लैंप को ले जाना आपको, हो गया बिल्कुल, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और आप सीधा इंस्टॉल करते हैं इसमें अपना फ्यूल स्ट्रेनर। देखो भाई ये फ्यूल स्ट्रेनर न्यू वाला है, ओल्ड वाला तो पता ही आपको कितना ज़्यादा डर्टी है, ये रहा ओल्ड वाला ना, कितना ज़्यादा डर्टी हो रखा था देखो इसमें ना। अब देखो इसे ओपन करते हैं, और साथ ही साथ मैं क्लैंप भी न्यू लगाऊंगा, देखो इसे क्लैंप है ना, तो इसे पहले फिट कर देते हैं यहाँ से ना इस तरीके से। काफ़ी टाइम बाद लगा रहा हूँ यार, ये इसमें दिक्कत आ रही थी, काफ़ी डर्टी हो गया था ना, तो इस तरीके से इसमें कुछ इस तरीके से फिट करेंगे ना। देखो अभी ये लूज़ रहेगा जब तक क्लिप नहीं लगाओगे आप, है ना, तो क्लिप लगाना थोड़ा सा हार्ड टास्क है, मैं दिखाता हूँ क्लिप किस तरीके से लगेगी यहाँ पे। ये देखो कैसे ना यहाँ पे क्लिप लगाते हैं, इसमें ये वाली क्लिप है, इसे ओपन करके लगाना दिखाता हूँ किस तरीके से लगाना आपको। एनीवेज गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रेशर रिलीवर रीइंस्टॉल करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फिट करना है इसमें, देखो ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये ओरिंग आ गई अपनी, और यहाँ पे देखो ये चैम्बर है, इसमें इस तरीके से थोड़ा जेंटली करके टकवा जाएगी, बिल्कुल फिट हो गया, बेस्ट है ना। और उसके बाद इस डायरेक्शन में एक क्लैंप होता है, क्लैंप को ले जाना आपको, हो गया बिल्कुल, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और आप सीधा इंस्टॉल करते हैं इसमें अपना फ्यूल स्ट्रेनर। देखो भाई ये फ्यूल स्ट्रेनर न्यू वाला है, ओल्ड वाला तो पता ही आपको कितना ज़्यादा वैरायटी है, ये रहा ओल्ड वाला ना, कितना ज़्यादा वैरायटी हो रखा था देखो इसमें ना। अब देखो इसे ओपन करते हैं, और साथ ही साथ मैं क्लैंप भी न्यू लगाऊंगा, देखो इसे क्लैंप है ना, तो इसे पहले फिट कर देते हैं यहाँ से ना इस तरीके से। काफ़ी टाइम बाद लगा रहा हूँ यार, ये इसमें दिक्कत आ रही थी, काफ़ी डर्टी हो गया था ना, तो इस तरीके से इसमें कुछ इस तरीके से फिट करेंगे ना। देखो अभी ये लूज़ रहेगा जब तक क्लिप नहीं लगाओगे आप, है ना, तो क्लिप लगाना थोड़ा सा हार्ड टास्क है, मैं दिखाता हूँ क्लिप किस तरीके से लगेगी यहाँ पे। ये देखो कैसे ना यहाँ पे क्लिप लगाते हैं, इसमें ये वाली क्लिप है, इसे ओपन करके लगाना दिखाता हूँ किस तरीके से लगाना आपको। गाइस फाइनली देखो क्लैंप इस तरीके से लगाना आपको, यहाँ से ना एलन की हेल्प से प्रेस कर देना ऐसे इधर फिंगर से ना, तो आपका क्लैंप लग जाएगा बढ़िया। और उसके बाद देखो किस तरीके से आपका बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर रहा, बढ़िया हो चुका है, ठीक है। अब गाइस इसे इंस्टॉल करते हैं बाइक फुल टाइम में, ठीक है। फाइनली मैंने री इंस्टॉल कर दिया पंप, देखो दिख रहा है आप, और थोड़ा WD-40 मार दिया, काफ़ी रस्टिंग इशू आ रहा था ना। अब सीधा जो ये फ्यूल फिल्टर है पूरा असेंबली इसकी, फ्यूल लाइन वगैरह सब इसमें रीइंस्टॉल करके बाइक में फिट करते हैं। गाइस फाइनली इंस्टॉल करते हैं इसमें, इस तरीके से फिट कर देते हैं इसे, पहले से लगा लेते हैं क्लिप्स को, इस तरीके से आवाज़ आएगी बिल्कुल अच्छे से, जब आप कर दोगे बिल्कुल यहाँ पे आवाज़ आएगी, ठीक है। ये हो गया, अब सीधा चलते हैं बाइक के पास, इसे लाइन कनेक्ट करके बाइक में इंस्टॉल करते हैं। गाइस मैंने इसका टैंक जितना है सारा इंस्टॉल कर दिया, कवर लगा दिए हैं, ठीक है। अब बढ़िया काम करिए बाइक, मतलब कोई इशू नहीं आ रहा। अब कवर वगैरह ला के फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।